हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्तकांक्षा में आपका स्वागत करती हूं और आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज हम एमपीपीएससी मेंस की नेक्स्ट क्लास पढ़ने वाले हैं। ये हमारी L26 है। इसके पहले हम L25 कर चुके थे, मतलब हमारी 25 क्लासेस एमपीपीएससी मेंस की हो चुकी हैं। आज का हम जो हमारी क्लासेस है वो पेपर 6 की है। पेपर 6 में निबंध में एक टॉपिक है आधुनिकीकरण, तो वही आधुनिकीकरण करवाने वाली हूँ। और ये आधुनिकीकरण मेरे पेपर मेंस की जो पेपर 6 की बुकलेट है, निबंध संग्रह है, उसमें से लिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई भी निबंध लिखने से पहले आपको कोट्स, उद्धरण, कोई भी कविता आपके माइंड में है उससे संबंधित, तो आपको वहाँ पे लिख देनी है। आधुनिकीकरण स्टार्ट करने से पहले हम दो लाइनें स्टार्ट करेंगे। जो उलझ कर रह गई फाइलों के जाल में, गांव तक वह रोशनी आएगी कितने साल में। जो उलझ कर रह गई फाइलों के जाल में, वो रोशनी गांव तक आएगी कितने साल में। गांव तक वह रोशनी आएगी कितने साल में। परंपरात्मक समाजों में होने वाले परिवर्तनों या औद्योगिकीकरण के कारण पश्चिमी समाजों में आए परिवर्तनों को समझने तथा दोनों भिन्नता को प्रकट करने के लिए विद्वानों ने आधुनिकीकरण की अवधारणा को जन्म दिया। मतलब जैसे जैसे समाज बढ़ता जा रहा था, उसमें परिवर्तन होते जा रहे थे और जो समाज है वो पश्चिमी सभ्यता से जो धीरे धीरे प्रभावित हो रहा था, तथा ग्रामीण परिवेश शहरी सभ्यता से प्रभावित हो रहा था, उसको जो विद्वान थे उन्होंने आधुनिकीकरण का नाम दिया। एक तरफ उन्होंने परंपरागत समाज को रखा, जो कि रूढ़िवादी परंपराएं चली आ रही हैं, प्रथाएं चली आ रही, उनको रखा, और दूसरी तरफ आधुनिक समाज को रखा। इस प्रकार उन्होंने परंपरात्मक बनाम आधुनिकता, मतलब ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्निटी को जन्म दिया। इसके साथ ही जब पाश्चात्य विद्वान उपनिवेशों एवं विकासशील देशों में होने वाले परिवर्तनों की चर्चा करते हैं, तो भी वे आधुनिकीकरण की अवधारणा का ही सहारा लेते हैं। कुछ लोगों ने आधुनिकीकरण को एक प्रक्रिया के रूप में माना, मतलब एक प्रोसेस के रूप में माना कि ये तो अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, जैसे जैसे समय आता जाएगा व्यक्ति आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ता जाएगा। तो कुछ ने इसे एक प्रतिफल, मतलब एक प्रोडक्ट के रूप में जाना। प्रोडक्ट के रूप में आइजनस्टीन ने इसे एक प्रक्रिया मानते हुए लिखा है कि ऐतिहासिक दृष्टि से आधुनिकीकरण उस प्रकार की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्थाओं की ओर परिवर्तन की प्रक्रिया है जो कि 17वीं से 19वीं शताब्दी तक पश्चिमी यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका में और 20वीं शताब्दी तक दक्षिण अमेरिकी, एशियाई व अफ्रीकी देशों में विकसित हुई। श्रीनिवास बोलते हैं कि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया किसी एक ही दिशा या क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन को प्रकट नहीं करती है, बल्कि यह एक बहुदिशा वाली प्रक्रिया है, मतलब हर दिशा में होने वाले विकास को बताती है। साथ ही यह किसी प्रकार के मूल्यों से बंधी हुई नहीं है, परंतु कभी कभी इसका अर्थ अच्छाई और इच्छित परिवर्तन से भी लिया जाता है। उदाहरण के लिए कि जब कोई यह कहता है कि सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक संस्थाओं का आधुनिकीकरण हो रहा है, तो इसका उद्देश्य करना आलोचना करना नहीं होता, वरनी अच्छाई बताना होता है। क्या कहता है कि जब कोई कहता है कि सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक संस्थाओं का आधुनिकीकरण हो रहा है, तो इसका उद्देश्य आलोचना करना नहीं है, बल्कि अच्छाई बताना है, प्रोग्रेस बताना है। फिर हम एक क्वेट्स लिख देंगे, भारत में आपदा प्रबंधन की बजाय प्रबंधन की आपदा है, क्योंकि प्रबंधन ही सही से नहीं हो पाता है। आधुनिकीकरण को और हम देखते हैं, तो आधुनिकीकरण की हम परिभाषा के रूप में देखते हैं कि अब तक जो जितने विद्वान थे उन्होंने अलग अलग रूप में आधुनिकीकरण को परिभाषित किया है। मैरियन जे लेवी ने आधुनिकीकरण को प्रौद्योगिक वृद्धि के रूप में बताया है। उन्होंने बताया कि मेरी आधुनिकीकरण की परिभाषा शक्ति के जड़ स्रोतों और प्रलय के प्रभाव को बढ़ाने के लिए उपकरणों के प्रयोग पर आधारित है। मैं इस दो तत्वों में से प्रत्येक को सातत्व का आधार मानता हूँ। उपरोक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि लेवी ने शक्ति के जड़ स्रोत जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयला, जल विद्युत तथा अणुशक्ति और यंत्रों के प्रयोग को आधुनिकीकरण के आधार के रूप में माना है। किसी समाज विशेष को कितना आधुनिक कहा जाएगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ जड़ शक्ति तथा यंत्रों पर कितना प्रयोग हुआ है। डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने बताया है कि साधारणतः आधुनिक होने का अर्थ फैशनेबल से लिया जाता है। वे आधुनिकीकरण को एक सांस्कृतिक प्रत्यय मानते हैं जिसमें तार्किक अभिवृत्ति हो, सार्वभौमिक दृष्टिकोण हो, परानुभूति हो, वैज्ञानिक विश्व दृष्टि, मानवता हो, प्रौद्योगिक प्रगति आदि शामिल हो। डॉक्टर सिंह आधुनिकीकरण पर किसी एक ही निर्जातीय समूह, मतलब एक ही जाति समूह या सांस्कृतिक समूह का स्वामित्व नहीं मानते, बल्कि यह मानते हैं इस पे संपूर्ण मानव समाज का अधिकार है।
डैनियल वर्नर ने अपनी पुस्तक द पासिंग ऑफ अ ट्रेडिशनल सोसाइटी मॉडर्नाइजिंग द मिडिल ईस्ट में आधुनिकीकरण का पश्चिमी मॉडल स्वीकार किया है। वे आधुनिकीकरण में निम्न विशेषताओं का उल्लेख करते हैं, कौन सी? बढ़ता हुआ नगरीकरण, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, बढ़ती हुई साक्षरता, इंक्रीजिंग लिटरेसी। विभिन्न साधनों जैसे समाचार पत्रों, पुस्तकों, रेडियो आदि के प्रयोग द्वारा शिक्षित लोगों के पूर्ण विचार और विनिमय में सहभागिता को बढ़ाना, इन सभी से मनुष्यों की क्षमता में वृद्धि होती है। राष्ट्र को आर्थिक लाभ होता है जो कि प्रति व्यक्ति को बढ़ाने में सहयोग देता है। राजनीतिक जीवन की विशेषताओं को उन्नत करने में भी यह सहायता देता है। लर्नर जो है उपयुक्त विशेषताओं को शक्ति, तरनाई, निपुणता तथा तार्किकता के रूप में व्यक्त करते हैं। वे आधुनिकीकरण को प्रमुखता मस्तिष्क की एक स्थिति के रूप में स्वीकारते हैं। प्रगति की अपेक्षा वृद्धि की ओर झुकाव तथा परिवर्तन के अनुरूप अपने को ढालने की तत्परता के रूप में इसको माना जाता है। परानुभूति भी आधुनिकीकरण का ही एक मुख्य तत्व है। मतलब परानुभूति मतलब दूसरों के लिए अनुभूति करना, जिसमें अन्य लोगों को सुख दुख में भाग लेने और संकट के समय उनको सहायता देने की प्रवृत्ति बढ़ती है। A.R. देसाई आधुनिक बताते हैं कि आधुनिकीकरण का प्रयोग केवल सामाजिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सभी पहलुओं को माना जाता है। बौद्धिक क्षेत्र में देखें तो आधुनिकीकरण का अर्थ तर्क शक्ति का बढ़ना है, तर्क शक्ति को बढ़ावा देना है। भौतिक व सामाजिक जो व्याख्या इसके अंतर्गत की जाती है, ईश्वर को आधार मानकर किसी भी घटना को स्वीकार नहीं किया जाता है। धर्म निरपेक्ष तार्किकता का, जिसके फलस्वरूप अलौकिक जगत के स्थान पर इस दुनिया का दृष्टिकोण पनपता है। सामाजिक क्षेत्र में अगर देखें आधुनिकीकरण को, तो इससे सामाजिक गतिशीलता बढ़ती है। पुरानी सामाजिक, आर्थिक तथा मनोवैज्ञानिक धारणाओं को तोड़कर व्यक्ति नए प्रकार के व्यवहार को अपनाने लगता है। सामाजिक संरचना परिवर्तन, व्यक्ति के व्यावसायिक राजनीतिक कार्यों में परिवर्तन आता है और प्रदत्त के स्थान पर उसमें अर्जित पदों का महत्व बढ़ता है। राजनीतिक क्षेत्र में देखें तो सार्वभौमिक जो सत्ता है उसकी वैधता अलौकिक शक्ति से प्राप्त ना होकर नागरिकों द्वारा प्राप्त होती है। राजनीतिक शक्ति का लोगों में वयस्क मताधिकार के आधार पर हस्तांतरण होता है। समाज की केंद्रीय, कानूनी, प्रशासकीय तथा राजनीतिक संस्थाओं का विचार और प्रसार होता है। प्रशासकों द्वारा जनता की भलाई के लिए नई नई रीति अपनाई जाती हैं, मतलब पश्चिमी सभ्यता या बोलो कि और ज़्यादा अपडेटेड होकर आती हैं, तो उसको भी एक आधुनिकीकरण का नाम दिया जाता है। तो नई नई नीतियाँ आती हैं। इसके बाद है प्रशासकों द्वारा जनता की भलाई नीति अपना, अपन दो लाइन और लिख लेंगे। खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। अब देखते हैं आर्थिक क्षेत्र में आधुनिकीकरण के क्या फ़ायदे हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आप मेरा MPPSC मेंस का पैकेज ले सकते हैं। ये जिस बुकलेट से मैं करना जितनी भी क्लासेस पढ़ाई हूँ अपनी मेंस के पैकेज से ही पढ़ाई हूँ, आप लोगों के सामने है किस तरह की नोट्स हैं। इसके अलावा कुछ कुछ बुकलेट का पूरा रिव्यू मैं यूट्यूब में बनाई हुई हूँ, तो आप चेक कर सकते हैं। टोटल जो है आपको 41 बुकलेट दी जाती हैं। 41 बुकलेट में आपको 12 बुकलेट 3 नंबर की दी जाती हैं और 29 बुकलेट 5 नंबर और 11 नंबर की दी जाती हैं। इसके अलावा आपको 25 व्हाट्सएप के ग्रुप भी प्रोवाइड कराए जाते हैं, जहां पर आपकी तैयारी कराई जाती है, आंसर्स दिए जाते हैं अलग अलग, जिससे आपकी तैयारी होती है, एकदम बेहतर हो जाती है। और ये जो मेंस की नोट्स हैं हैंड रिटन है, प्रश्न उत्तर श्रृंखला में है। निबंध की बुकलेट केवल इस प्रकार से आपको मिलेगी क्योंकि इसमें कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है। बाकी सभी आपको प्रश्न उत्तर श्रृंखला में फ्लो चार्ट मैप सहित मिलेंगे। तो आप ये, आप भारत में कहीं भी रहते हो, आप हमारे ये मेंस का पैकेज मंगा सकते हैं। चाहे 2019 मेंस हो, 20 मेंस हो, 21 या 22, जो भी आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारा ये मेंस का पैकेज मंगा सकते हैं। आप पेमेंट करेंगे उसके 8 से 10 दिन वर्किंग डेज में आपके पास पहुँच जाएगा। आर्थिक क्षेत्र में लाभ देखें तो आर्थिक क्रियाओं का परंपरात्मक स्वरूप से पृथक्करण हो जाता है। उत्पादन, वितरण, यातायात, संचार आदि में पशु और मानव शक्ति के स्थान पर जड़ शक्ति का प्रयोग हो जाता है। मशीनी तकनीकी और औजार का प्रयोग होता है। इसके अलावा उच्च तकनीकी प्रभाव के कारण उद्योग, व्यवसाय, व्यापार में वृद्धि होती है। अगला है आर्थिक कार्यों में विशेषीकरण का बढ़ना होता है, जिससे कि उत्पादन, उपभोग और बाजार में वृद्धि होती है। अर्थव्यवस्था में उत्पादन तथा उपभोग में वृद्धि होती है। बढ़ता हुआ औद्योगिकरण, जिसे हम आर्थिक आधुनिकीकरण की मुख्य विशेषता कह सकते हैं। पारिस्थितिकी क्षेत्र देखें तो इससे नगरीकरण में वृद्धि होती है। सांस्कृतिक क्षेत्र में बात की जाए तो शिक्षा का विस्तार होता है तथा विशेष प्रकार की शिक्षा देने वाली संस्थाओं में वृद्धि होती है। नए सांस्कृतिक दृष्टिकोण का विकास होता है, जो उन्नति व सुधार, योग्यता, सुख, अनुभव व क्षमता पर जोर दे।
सभी प्रकार के समाजों के साथ समायोजन करने की धारणा का विकास होता है, रुचि बढ़ती है, दूसरे लोगों के प्रति परानुभूति बढ़ती है, दूसरों का सम्मान करना, ज्ञान व तकनीकी में विश्वास पैदा करना तथा व्यक्ति को उसके कार्य का प्रतिफल मिलना और मानवतावाद में विश्वास, ये सभी चीज़ें मिलती हैं। समाज द्वारा ऐसी संस्थाओं और योग्यताओं का विकास करना जिससे कि लगातार बदलती हुई मांगों और समस्याओं में समायोजन किया जा सके। इस प्रकार श्री देसाई ने आधुनिकीकरण को एक विस्तृत क्षेत्र के संदर्भ में देखा जिसमें समाज व संस्कृति के सभी पहलू आ जाते हैं। एक और हम कोट्स लिख लेंगे अंत में। आप कहते हैं सराधा गुलमोहर है ज़िंदगी, आप कहते हैं सराधा गुलमोहर है ज़िंदगी, हम गरीबों की नज़र में एक कहर है ज़िंदगी। इसके बाद हम अगर ये तो हमने आधुनिकीकरण को पढ़ लिया, अब आपके पास टॉपिक आता है आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण, तो हम ये नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे। आज के लिए इतना ही। आधुनिकीकरण मैंने आपको बढ़ा दिया है किस तरह से आपको आधुनिकीकरण मेंशन करना है, इसके अलावा कुछ आप एग्जाम्पल भी वर्तमान से संदर्भित कुछ एग्जाम्पल भी अपने निबंध में डाल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, व्हाट्सएप टेलीग्राम फेसबुक ट्विटर इंस्टा से जुड़ जाइएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।